Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, Minerals and Power Resources. Students, in this video we'll talk about minerals in great detail, definition of mineral, metallic mineral, non-metallic mineral, ferrous metal, non-ferrous metal and distribution of minerals across the world. मिनरल्स की डेफिनेशन हम देखेंगे, मेटेलिक मिनरल क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है, फिर पूरे वर्ल्ड में मेटल कहाँ कहाँ कौन सा मेटल मिलेगा वो सब हम डिस्कस करेंगे. फिर हम पावर रिसोर्सेज को देखेंगे, हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, पेट्रोलियम, कोल, इन सब को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, बात रॉक्स एंड मिनरल्स मेकअप अर्थ क्रस्ट. अर्थ का जो क्रस्ट है हमारा वो किसने बनाया है बच्चा, रॉक्स ने और मिनरल्स ने. ठीक है, जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, मतलब जिस लेयर के ऊपर हम लोग रह रहे हैं ना, वो किससे बनी है बेटा, रॉक से और मिनरल से. हर रॉक में या तो एक मिनरल होगा या एक से ज्यादा मिनरल हो सकते हैं. ठीक है, ऑल रॉक्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर मिनरल्स. हो सकता है किसी रॉक में एक ही मिनरल हो या हो सकता है किसी रॉक में एक से ज्यादा मिनरल हो. ठीक है बात, तो इस बात को ज्यादा ध्यान रखना कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो रॉक से और मिनरल से ही बना हुआ है. हर जितनी भी रॉक्स होंगी उनमें बच्चा एक ना एक मिनरल होगा, या एक मिनरल हो सकता है या एक से ज्यादा मिनरल हो सकते हैं. ठीक है बात, पर किसी भी रॉक का आपको डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं मिलेगा. रॉक में जब अलग अलग मिनरल्स हैं, एक से ज़्यादा मिनरल हैं, एक रॉक में कोई मिनरल है, दूसरी रॉक में कोई और मिनरल है, तो तुम्हें लगता है कि इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं. पर एक मिनरल का केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होगा. आई बात समझ में? अगर हम बात करें आयरन की, किसकी, आयरन की, आयरन जिसे हम कहते हैं Fe, तो आयरन का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा बेटा, है ना. मिनरल का डेफिनेट कंपोजिशन होगा, पर रॉक का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना पॉसिबल ही नहीं है. कैसे पॉसिबल नहीं है? ये एक रॉक है, ये दूसरी रॉक है, ये तीसरी रॉक है, इसमें दो मिनरल है, इसमें हो सकता है तीन मिनरल है, इसमें एक ही मिनरल है, तो तुम्हें लगता है इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो सकता है? तो नहीं, रॉक्स का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, पर मिनरल्स का केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है. ये बात हमेशा याद रखना. चल, रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन बट मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. चलो, अब जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, रॉक्स के अंदर जो भी मिनरल हमें मिलेगा वो हमें क्या क्या देगा बेटा, मेटल्स भी देगा और केमिकल्स भी देगा. ठीक है बात. अब बेटा जो भी रॉक्स होंगे उनमें जो मिनरल का जो अमाउंट होता है वो वैरी करता है. एक रॉक होगी जिसमें आयरन और भर भर के मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा है. इसे हम आयरन का और ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी जो है आयरन की बहुत ज़्यादा है. ठीक है बात, तो ये आयरन का और बन जाएगा. पर एक रॉक ये भी है, इसमें कुछ ही क्वांटिटी में आयरन अवेलेबल है. ठीक है बात, तो जो अमाउंट है मिनरल्स का रॉक में बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ग्रेटली वेरी करता है. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम लर्न करेंगे. अ रॉक विच हैज़ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल. अगर एक रॉक में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एक पर्टिकुलर मिनरल मिलेगा तो उस रॉक को हम क्या बोलने लगेंगे, और ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल. ठीक हुई बात. जैसे यहाँ पर हम बोल दें चलो आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, आयरन का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो ये क्या बन जाएगा, आयरन का और. ठीक हुई बात. अगर यहाँ पर कॉपर ज़्यादा होगा या बॉक्साइट ज़्यादा होगा तो ये बॉक्साइट ज़्यादा हुआ तो ये एल्यूमिनियम का और बन जाएगा. ठीक है, फिर से ज़रा ध्यान से. द अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन रॉक्स रॉक वेरी ग्रेटली. हर रॉक में जो भी मिनरल प्रेजेंस है वो वेरी करती है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है. वो रॉक जिसमें कॉन्सेंट्रेशन किसी भी पर्टिकुलर मिनरल का बहुत ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, उस मिनरल का और. चलो, मिनरल्स नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस हैं. मिनरल्स क्या है बच्चा, नॉन लिविंग है और सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं या रॉक फॉर्मेशंस के फॉर्म में होते हैं. ठीक है बात, तो मिनरल्स क्या है, नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं और रॉक फॉर्मेशंस, या तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया में होंगे या रॉक फॉर्मेशंस रॉक के अंदर होंगे.
ठीक है, पर हमेशा ध्यान रखना ये नॉन लिविंग है और सॉलिड सब्सटेंसेस है। चलो, एक मिनरल बच्चा मे और मे नॉट बी कमर्शियली यूजफुल। एक मिनरल कमर्शियली यूजफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक हुई बात। तो बेटा ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मिनरल्स होते हैं वो कई बार कमर्शियली यूजफुल होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। हमें पता है कि आयरन मोस्ट ऑफ द रॉक्स में मिल जाएगा, बहुत सारी रॉक्स ऐसी होंगी जहाँ पर आयरन मिलेगा, पर हर रॉक में तो हम आयरन की माइनिंग नहीं करते। हम आयरन की माइनिंग कहाँ करते हैं? जहाँ पर वो ऑर्स में हो। ऑर्स की डेफिनेशन मैंने बताई ना, क्या बताई थी ऑर्स की डेफिनेशन, कि अगर किसी जगह पे उस मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर। तो जहां पर भी ऑर में मिलेगा वहीं पर हम माइनिंग करेंगे बेटा, उसके अलावा हम हर जगह माइनिंग नहीं करते क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगी। आप लेबर लगाओगे, आप पैसा लगाओगे, पर आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो उतना नहीं मिलेगा, ठीक है बात। सो मिनरल में और मे नॉट बी कमर्शियली यूजफुल। हम ये जानते हैं कि जो आयरन है वो बहुत सारी रॉक्स में मिलता है, पर माइनिंग उसकी कहाँ पर होती है, वहीं पर जहाँ पर ये ऑर्स में होता है। और ऑर्स मैंने अभी आपको सेकंड टाइम भी दिखा दिया कि ऑर्स जहाँ पर लार्ज कॉन्सेंट्रेशन हो उस पर्टिकुलर मिनरल का, ठीक है बात। मिनरल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मिनरल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। पहला, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली मतलब यहाँ पर हो सकता है आपको आयरन और मिल जाए, यहाँ कॉपर मिल जाए, यहाँ बॉक्साइट मिल जाए, यहाँ डायमंड मिल जाए, यहाँ गोल्ड मिल जाए, मतलब पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है बात। सेकेंड, दे आर मिक्सड विथ लार्ज वराइटी ऑफ इम्प्योरिटीज। कोई भी मिनरल आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम प्रोसेसेस लगा के हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है बात। तो जितने भी मिनरल्स हमें मिलेंगे उनके अंदर हमें इम्प्योरिटीज मिलेगी। देन द मिनरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। जो मिनरल रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्टेबल है, मतलब अगर आप कंटिन्यूस उनका यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है बात। चलो, तो बेटा हम प्री हिस्टोरिक टाइम से ही मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते आए हैं, मिनरल्स को यूज करते आए हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम हम किस टाइम को बोलते हैं? वो टाइम को हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम बोलते हैं जिस टाइम का हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। जिस भी टाइम का हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से हम लोग मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मिनरल्स का ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मिनरल्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है उसमें मिनरल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। इसीलिए बहुत सारी जो स्टेजेस रही हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट की, उनका जो नाम है हमने मिनरल के नाम पे ही रखा है। जैसे स्टोन एज, स्टोन एज जब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि उस टाइम में स्टोन का भर भर के यूज़ हुआ करता था सच में। तो जब आपको कोई औजार बनाना पड़ता था, टूल्स बनाना पड़ता था, इम्प्लीमेंट भले लड़ने के लिए, घर में यूज़ के लिए, वो सब किससे बना होता था? स्टोन से। तो जो स्टोन एज वो टाइम है बच्चा जहाँ पर वेपन्स, इम्प्लीमेंट सब किससे बनते थे? स्टोन से। फिर अगर मेटल की बात करें कि वो कौन सा मेटल है जो सबसे पहले हमने यूज़ किया, तो उसका श्रेय जाता है कॉपर को। कॉपर वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमन लर्न टू माइन। कॉपर सबसे पहले हमने माइन करना सीख लिया था, मतलब नेचर में तो अवेलेबल था, उसको निकालना, उसका यूज़ करना हमने सबसे पहले किस मेटल को यूज़ करना सीखा बेटा? कॉपर को, ठीक है। और यहाँ पर बिगेन हुई कॉपर एज, ठीक है बात। तो पहले स्टोन एज थी, स्टोन एज के बाद आई कॉपर एज, कॉपर एज के बाद ब्रोंज एज। ह्यूमन डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल मेटल बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। फिर ह्यूमन बींग्स थोड़े से ज़्यादा बुद्धिजीवी हुए, उन्होंने कॉपर को देखा, उन्होंने टिन को भी देखा। जब उन्होंने कॉपर को देखा, टिन को देखा, तो उनको लगा यार इसको मिक्स करके कुछ क्या अच्छा बना सकते हैं, और उन्होंने बना दिया क्या? ब्रोंज। तो एक टाइम के बाद, मतलब कॉपर एज के बाद चली हमारी ब्रोंज एज, ठीक है यार। ब्रोंज किस किस को मिलके बनता है बच्चा? कॉपर और टिन को। फिर 3000 ईयर अगो द ब्रोंज एज वॉज रिप्लेस्ड बाय आयरन एज। आज से 3000 साल पहले, कब बच्चा? सिर्फ 3000 साल पहले ही ये जो ब्रोंज एज थी इसको रिप्लेस किया गया किससे? आयरन एज से, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन।
इवन द आयरन एज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्टील एज इन मॉडर्न टाइम. फिर आयरन को किसने रिप्लेस किया? स्टील ने रिप्लेस किया. ठीक है बात, पर ये तो आपस में भाई भाई है. आयरन और स्टील क्या है? सगे भाई है. चलो, तो पहली थी स्टोन एज. फर्स्ट एज जो आई ह्यूमन सिविलाइजेशन की, उसमें स्टोन का यूज होता था, स्टोन एज. फिर हमने किसका यूज किया? कॉपर का. फिर ब्रोंज का. ब्रोंज कैसे बना? कॉपर में टिन मिला के. और उसके बाद कौन सी एज आई बच्चा? आयरन एज. और आयरन एज के बाद आज जो एज है वो किसकी है बेटा? स्टील की. जहाँ जहाँ तक नजरें जाती स्टील का संसार है ना. अब बेटा मिनरल की खोज करते हुए, मिनरल्स को ढूंढते हुए अर्थ के रिमोटेस्ट पार्ट तक ह्यूमन पहुंच गया. ठीक है, नया नया मिनरल चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, इसकी खोज में हम अर्थ के रिमोटेस्ट पार्ट तक चले गए. अब हमें सबसे ज़्यादा क्या चार्मिंग लगता है अबाउट मिनरल्स? हो सकता है उनकी लस्टर, उनका शाइन, उनमें जो चमक है वो हमें अच्छी लगती हो. लस्टर मतलब ही क्या होता है? शाइन. लास्ट 200 ईयर में हमने बहुत प्रोग्रेस की है मेटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में, एक्सट्रैक्ट करने में, डिस्कवर करने में. ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन डिस्कवरी, एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की बात हो, उनको डिस्कवर करने की बात हो, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की बात हो, हमने लास्ट 200 ईयर में बहुत प्रोग्रेस की है. नाउ टाइप ऑफ मिनरल्स. At present there are more than 3000 known minerals. 3000 known minerals हैं, और अभी unknown तो पता नहीं कितने होंगे, भगवान ही मालिक है. तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने मिनरल वैरायटी है? 3000 known. मिनरल को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. हर मिनरल की कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. वो ऐसा दिखता होगा, छूने पे ऐसे लगता होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको इसमें डालो तो ये होता होगा, ऐसे घोलो तो वो होता होगा. ठीक है, तो हर मिनरल को उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जा सकता है. इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूज एंड यूजेस. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. कंपोजिशन के हिसाब से हम मिनरल को दो पार्ट में ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होता है मेटालिक और दूसरा होता है नॉन मेटालिक. पहले मेटालिक देखते हैं. मेटालिक मिनरल्स बेसिकली ओर्स में ही होते हैं. हमें ये मेटल मिलते हैं आयरन, गोल्ड, कॉपर. ठीक है, किससे? मेटालिक मिनरल्स से. फिर से एक बार ध्यान से समझना, मेटालिक मिनरल्स से ही हमें मिलते हैं मेटल्स. मेटालिक मिनरल्स से ही हमें मिलते हैं मेटल. अब वो मेटल कौन कौन से मिल सकते हैं आपको? आयरन मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है. और मेटालिक मिनरल आपको कहाँ मिलेंगे? ओर्स में. पहली बात याद रखना, मेटालिक मिनरल आपको मिलेंगे ओर्स में. हमें जितने भी मेटल हैं जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, किससे मिलता है? मेटालिक मिनरल्स से मिलता है. बहुत सारे जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही मिलेंगे. मैक्सिमम मेटल आपको किस में मिलेंगे? या तो इग्नियस रॉक में या मेटामॉर्फिक रॉक में. ठीक है, अब इग्नियस रॉक तो बच्चा वॉल्केनिक एरप्शन से मिलती है. जैसे धरती के अंदर अगर कोई वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो उसका जो लावा होता है वो यहाँ पर जम जाता है. और ऑब्वियसली बात है, धरती के अंदर से सारी चीज़ें निकली हुई हैं जो इसमें रॉक के फॉर्म में जम गई हैं. इन्हें ही हमने क्या बोला? इग्नियस रॉक. तो इग्नियस रॉक के अंदर तो मेटल मिलना, मेटालिक मिनरल मिलना बिल्कुल तय ही है. क्यों तय है? क्योंकि धरती के अंदर क्या है? मेटल्स है. वही वॉल्केनिक एरप्शन के फॉर्म में ऊपर आए और इग्नियस रॉक के फॉर्म में जम गए. तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में हमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं. ये जो मिनरल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं और लस्टर होता है उनके ऊपर. मतलब ये हार्ड भी होंगे और उनके ऊपर चमक भी होगी. ठीक है, फिर से हम मेटालिक मिनरल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस. पहले हमने दो ब्रॉड कैटेगरी ली है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. अब मेटालिक के अंदर हम फेरस एंड नॉन फेरस पढ़ेंगे. अब जितने भी फेरस मेटल होंगे बच्चा, उनके अंदर आयरन और आयरन होगा. ठीक है, जितने भी फेरस मिनरल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा? आयरन. जैसे कि आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट. ठीक है, और जो नॉन फेरस मेटल होंगे उनके अंदर आयरन बिल्कुल भी नहीं होगा. तो अगर मैम पूछती है फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स को, मेटल्स को बताओ, तो क्या बताओगे बच्चा?
एक में आयरन होता है, फेरस मेटल कंटेन्स आयरन एंड नॉन फेरस डू नॉट कंटेन आयरन। क्लियर है? फेरस में आयरन होगा, नॉन फेरस में आयरन नहीं होगा। फेरस के एग्जाम्पल हैं आयरन और मैगनीज, क्रोमाइट, और नॉन फेरस के एग्जाम्पल हैं कॉपर, सिल्वर, लेड, गोल्ड। अब हम नॉन मेटालिक मिनरल्स को देखेंगे। तो जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं बेटा, इनके अंदर मेटल नहीं होते, नाम से ही पता चल रहा है नॉन मेटालिक मतलब मेटल नहीं है। इनके अंदर आएगा नाइट्रेट, सल्फर, पोटाश, सॉल्ट, कोल। क्या क्या आ जाएगा? नाइट्रेट, सल्फर, पोटाश, सॉल्ट एंड कोल। किसके एग्जांपल है? नॉन मेटालिक मिनरल के। पेट्रोलियम और कोल का यूज़ हम फ्यूल की तरह भी करते हैं और सोर्स ऑफ पावर, ये क्या का सोर्स है? पावर का सोर्स है, फ्यूल है ना। पेट्रोल और कोल क्या है? फ्यूल के एग्जांपल हैं, पावर सोर्सेज हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल। तो मैम पूछेगी राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ टू मिनरल फ्यूल्स, विल यू राइट? कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, क्या क्या? कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है मैम। कोल एंड पेट्रोलियम को मिनरल फ्यूल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर यूज एज अ फ्यूल फॉर सुपर। हम नॉन मेटालिक मिनरल जो हैं वो बेसिकली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। आई बात समझ में? जहाँ पर हमने मेटालिक के लिए पढ़ा था कि मेटालिक हमें इग्नियस रॉक में मिलेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेंगे, वैसे ही जो नॉन मेटालिक मिनरल हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। चलो, आई बात समझ में? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। चलो, तो मिनरल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा? हम अर्थ से, अर्थ के सरफेस से हम लोग मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलो, तो वो मेथड जिसके थ्रू आप मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हो, किससे? रॉक से, जो कि कहाँ दबी हुई है अर्थ के सरफेसेस के अंदर, उसे क्या कहते हैं? माइनिंग। सपोज करो जो कोई रॉक है वो अर्थ सरफेस के अंदर बरीड है, उससे आपने क्या निकाला? मिनरल। तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? माइनिंग। ठीक है, एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। द मेथड ऑफ टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है मैम, वो रॉक्स जो अर्थ सरफेस के अंदर बरीड है, उससे जब आप भी कोई मिनरल निकालोगे, मिनरल निकालने की जो मेथड होगी उसे क्या कहेंगे? माइनिंग। अब मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए हम किस मेथड को यूज़ करेंगे बेटा, ये प्योरली डिपेंड करेगी कि किस डेप्थ पे वो मिनरल अवेलेबल है। कई बार सपोज करो ये अर्थ का क्रस्ट है, कुछ मिनरल यहीं पर मिल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा और डीप मिलेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा डीप में मिलेंगे। तो इन तीनों के लिए ही अलग अलग मेथड्स का यूज़ होगा, तभी हम कह रहे हैं कि वो मेथड जिसके थ्रू आप मिनरल को बाहर निकालेंगे वो किस पर डिपेंड करती है? उस मिनरल की डेप्थ पे। वो मिनरल किस डेप्थ पे अवेलेबल है उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है मैम, चलो। जब मिनरल अर्थ सरफेस के पास ही अवेलेबल हो, नियर द सरफेस, दे आर सिंपली डग आउट, दिस इज कॉल्ड क्वेरिंग। अगर ये अर्थ का क्रस्ट है, यहीं पर कोई मिनरल अवेलेबल हो जाएगा तो बस हम इसको डग करके बाहर निकाल लेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? क्वेरिंग। ठीक है मैम। अब When mineral ores are located at shallow depth, थोड़ी सी मतलब ये अर्थ का क्रस्ट है और इस डेप्थ पे अवेलेबल है, शैलो डेप्थ पे अवेलेबल है, दे कैन बी टेकन आउट बाय रिमूविंग द सर्फेस लेयर। इस सर्फेस लेयर को निकाल कर हम यहाँ से मिनरल्स को बाहर निकालेंगे, इसे बोलते हैं ओपन पिट और ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है बात, बिल्कुल ऊपर अवेलेबल है तो वो हो जाएगा क्वेरिंग। ठीक है बात, अर्थ सर्फेस के बिल्कुल पास में है तो क्वेरिंग, थोड़ा सा अंदर है तो ओपन कास्ट माइनिंग या ओपन पिट। चलो, अब कुछ मिनरल क्या होते हैं बेटो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में अवेलेबल होते हैं। अ शाफ्ट हैज टू बी डग टू रीच द मिनरल। एक शाफ्ट आपको डग करना पड़ता है, डग मतलब दिग मतलब खोदना होता है ना, डग करना पड़ता है उस मिनरल तक पहुँचने के लिए। सच अ मिनरल इज कॉल्ड शाफ्ट माइनर। इस मिनरल को क्या कहते हैं हम? इस मिनरल के निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं शाफ्ट माइन। आगे बात समझ में? चलो, अ शाफ्ट माइन हैज़ मेनी अंडरग्राउंड चैम्बर। एक शाफ्ट माइन में बहुत सारे अंडरग्राउंड चैम्बर होते हैं। द माइनर्स यूज टू लिफ्ट टू रीच दिस चैम्बर। अब जो माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, वो लिफ्ट का यूज़ करते हैं वो चैम्बर्स तक पहुँचने के लिए। चलो,
फिर कई बार बेटा डीप वेल्स किए जाते हैं, डग बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं उसमें किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट, उस पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या वो मिनरल कौन सा होगा, ऑयल होगा या नेचुरल गैस होगा। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम वेल्स डिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गहरे गहरे, आप या तो मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसे क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। ठीक है बात। तो जब ऊपर ऊपर ही मिल जा रहे हैं अर्थ के सरफेस के पास, तो हम क्या करेंगे, क्वेरिंग। ठीक है बात। जब शैलो डेप्थ मतलब थोड़ी ही गहराई में अवेलेबल है तो आप ओपन पिट बनाओगे, कुछ ग्रेट डेप्थ में अवेलेबल है तो शाफ्ट माइनिंग आप करोगे। ठीक है बात। और माइनिंग में फिर क्या होगी, शाफ्ट माइनिंग में लिफ्ट लगी होती हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, तो जो भी माइनर्स होते हैं वो लिफ्ट का यूज़ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर डीप वेल्स डक किए जाते हैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, नेचुरल गैस को निकालने के लिए, उन्हें हम कहते हैं ड्रिलिंग। चलो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मिनरल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। चलो, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रिच एंड एडिकेट मिनरल्स डिपॉजिट्स आर फाउंड ओनली इन सेलेक्टेड प्लेसेस। कुछ सेलेक्टेड प्लेसेस हैं बच्चा जहाँ पर ही आपको रिच और एडिकेट मिनरल के डिपॉजिट्स मिलेंगे। जो कुछ एरियाज बोलते हैं ना बहुत रिच है मिनरल्स में, तो वो कुछ ही एरियाज हैं बच्चा। हाउएवर ड्यू टू एक्सटेंसिव माइनिंग, बेटा हम लोगों ने लास्ट 200 ईयर में इतनी प्रोग्रेस की है, भले वो साइंस हो टेक्नोलॉजी हो, कि हमने बहुत सारे मिनरल्स को हद तक एक्सप्लॉयट कर लिया है कि जो मिनरल रिच एरियाज थे है ना, हमने उनके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर करके वहाँ पर मिनरल्स को लगभग ख़त्म कर दिया है। ठीक है बात। चलो, सो हाउएवर ड्यू टू एक्सटेंसिव माइनिंग मोस्ट ऑफ रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैव ईदर बीन एग्जॉस्टेड और आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जॉस्टन। देखो मैं वही बोल रही हूँ कि जब हमें कुछ नहीं आता था, जब हम साइंटिफिकली इतने एडवांस नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम मिनरल्स को ग्रेजुअली धीरे 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 करके एक्सट्रैक्ट करते, पर अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो हमने इस हद तक इतने बड़े स्केल पे मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम चालू किया है कि कुछ जो मिनरल रिच साइट्स थी आज वहाँ पर मिनरल एग्जॉस्ट हो गए या तो ख़त्म हो गए, ये वर्ज ऑफ एग्जॉस्टन पे हैं कि आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो ही जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है। मिनरल्स फाउंड इन इनसफिशियंट क्वान्टिटीज आर नॉट वर्थ माइनिंग। अगर इनसफिशियंट क्वान्टिटी में कोई मिनरल किसी पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है, तो उसकी माइनिंग करने का कोई मतलब नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो माइनिंग का कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। और उस मैसिव लेवल मतलब एक लार्ज स्केल पर माइनिंग ना होने की वजह से वो जो कॉस्ट है उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे और वो लॉस का सौदा मतलब लॉस का केस हो जाएगा। चलो, तो मिनरल्स जो इनसफिशियंट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं वहाँ पर माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि जो माइनिंग का कॉस्ट है, एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा हाई है। लेट अस लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मिनरल अवेलेबल है। मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, उसके पहले आप लोग देखो ये होती है ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है। चलो, ये क्या है, शाफ्ट माइनिंग जहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स होंगे, लिफ्ट यूज होगा, और ये ऑयल ड्रिलिंग, बहुत गहरे गहरे कुएं खोदे गए हैं अंदर तक। हम शुरू करते हैं हमारे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया से। एशिया स्टोर हाउस है बहुत सारे मिनरल्स का। ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको अभी हमने एक्सप्लॉइट भी नहीं किया है। ठीक है बात। एशिया स्टोर हाउस है बहुत सारे मिनरल्स का, जिसमें से कुछ को तो अभी हमने एक्सप्लॉयट भी नहीं किया है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स अभी आप हाथों पे गिनेंगे, जैसे आयरन ऑर हो गया, टीन हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, निकल हो गया, कॉपर, जिंक, लेड, टंगस्टन, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। द इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड आर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखो मिनरल्स तो बहुत सारे टाइप के बेटा, पर अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो वो सारे इंपॉर्टेंट आपको एशिया में अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि किस कंट्री में क्या मिलेगा, क्योंकि एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, उसमें कंट्रीज़ हैं ना, कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो चाइना, इंडिया, रशिया,
अजरबैजान, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर रिच डिपॉजिट्स हैं आयरन और के। तो आयरन और एशिया में कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा? चाइना में, इंडिया में, रशिया में, अजरबैजान, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है बात। फिर पूछा जाए बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बॉक्साइट मिलेगा इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। अब अगर टिन की बात करें तो ये जो टिन है एशिया हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर, हाफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर। अगर 100 kgs सपोज करो, अगर 100 kgs टिन प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड में, तो लगभग मोर देन जो उसका 50s है 55, 57, 60s, ये तो कहीं प्रोड्यूस हो जाता है, एशिया में ही प्रोड्यूस होता है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन प्रोड्यूसर्स इन एशिया। जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टीन को प्रोड्यूस करने वाले, वो कौन है? चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया। देखो टीन में इंडिया का नाम नहीं है ना, मतलब मेजर प्रोड्यूसर लीडिंग प्रोड्यूसर्स में नाम नहीं है, बाकी टीन इंडिया में भी होता है प्रोड्यूस। चलो तो एशिया, पहली बात याद रखोगे टीन के लिए कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड का जो वर्ल्ड का जो टीन प्रोडक्शन है उसका हाफ से भी ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? एशिया में प्रोड्यूस हो रहा है। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं? चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। अब पूछा जाएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होता है, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, एशिया में भी होगा फिर तो, है ना? एशिया का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माइका का इंडिया ही है, वर्ल्ड का भी इंडिया ही है। चलो वर्ल्ड का इंडिया हो गया तो एशिया का तो होगा ही होगा। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड, एंटीमोनी, टंगस्टन। चलो चाइना क्या क्या, चाइना का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है लेड का, एंटीमोनी का, टंगस्टन का। एशिया में रिच कमर्शियल डिपॉजिट्स किस किस के भी मिल जाएंगे बच्चों आपको? मैग्नीज के, निकल के, कॉपर के, गोल्ड, सिल्वर और जिंक। तो भैया ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी थी इनके अलावा कुछ और अवेलेबल है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हमारे एशिया में भैया निकल भी है, कॉपर भी है, तो गोल्ड और सिल्वर भी है, जिंक भी है। चलो अब यूरोप को देखेंगे। स्टूडेंट्स डू रिमेंबर हियर लर्निंग पोर्शन इज मोर, ओके, लर्न ज़्यादा करना है। अब जैसे ये तो लर्न करने का ही है ना कि भाई इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका, ये क्या इफेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको लर्न करनी है? चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है लेटेस्ट एंटीमनी और टंगस्टन का, तो लर्न करना है आपको, है ना? अब हम बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप पजेसेस लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल। यूरोप में बहुत वैरायटी में मिनरल्स अवेलेबल हैं और यही कारण है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है? ये जो मिनरल वहाँ पर अवेलेबल थे यूरोप में, इन्हीं ने यूरोप को लीड दी इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो मेन मिनरल्स अवेलेबल हैं वो हैं आयरन और, बॉक्साइट, जिंक, लेड, सल्फर, पोटाश, कॉपर एंड मरकरी। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और का, ठीक है? और जो डिपॉजिट्स हैं आयरन और के वो थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो मेन प्रोड्यूसर हैं वो ये हैं यूक्रेन, रशिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड यूके। मेन प्रोड्यूसर कौन कौन हैं बच्चा? यूक्रेन, रशिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, ठीक है बात। तो यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और का, और पूरे कॉन्टिनेंट में आयरन और की अलग अलग जगह पे आपको माइन मतलब और मिल जाएगा। प्लस अगर हम मेजर प्रोड्यूसर की बात करें, मेन प्रोड्यूसर की, तो वह तो यूक्रेन, रशिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड यूके। प्लस 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 एक बात और ध्यान रखना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से कहाँ पर? यूरोप को लीड मिला। अब बॉक्साइट क्या है बच्चा? बॉक्साइट है और ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम निकलता किससे है? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट और है किसका? एल्यूमिनियम का। ये जर्मनी में, फ्रांस में, नॉर्वे में, ऑस्ट्रिया, यूके, रशिया और इटली में मिलेगा। तो यूरोप में अगर कोई पूछे कि लीडिंग प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम के कौन से हैं या बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूके, रशिया एंड इटली।
तो अगर मैम क्वेश्चन पूछेगी कि एल्यूमिनियम के और को क्या बोलते हैं तो बता देना बॉक्साइट। ये यूरोप में कहाँ कहाँ मिलता है, तो जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूके, रशिया एंड इटली में मिलता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि जो यूरोप है वहाँ पर रिच डिपॉजिट हैं लेड के और जिंक के, पर वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड। अगर किसी को लर्न करने का है याद रखना, तो अगर मैम ने पूछा कि मुझे बताओ कि लेड और जिंक कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है यूरोप में, किस किस कंट्री में यूरोप की लेड और जिंक प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड। अब अगर हम बात करें ईस्टर्न यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया हैव डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, मैगनीज एंड निकल। तो कॉपर, मैगनीज और निकल के मेजर प्रोड्यूसर हैं रशिया और ईस्टर्न यूरोप। सल्फर और पोटाश भी यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। अब हम चलेंगे नॉर्थ अमेरिका पर। चलो, अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका भी ब्लेस्ड है बेटा, बहुत आशीर्वाद प्राप्त है इनको भी भगवान का, इनके पास भी रिच वैरायटी में मिनरल रिसोर्सेज हैं। थ्री मेन रीजन्स हैं जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, एक कैनेडियन शील्ड, अपालचिन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। वेस्ट की माउंटेन रीजन, अपालचिन रीजन और कैनेडियन शील्ड, ये तीन रीजन है नॉर्थ अमेरिका के जहाँ पर मिनरल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आयरन ओर आपको मिलेगा अराउंड द ग्रेट लेक्स। USA इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आयरन ओर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है USA, और USA में जो आयरन ओर है वो कहाँ पर मिलता है? ग्रेट लेक्स के पास। उसके बाद जो ग्रेट कैनेडियन शील्ड रीजन है, ठीक है, कैनेडियन शील्ड जो रीजन है उसके पास भी बहुत डिपॉजिट है आयरन ओर के, गोल्ड के, निकल के, यूरेनियम के और कॉपर के। ठीक है, बात कैनेडियन शील्ड में क्या क्या मिलेगा आपको बेटा याद रखना, आयरन ओर, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर। जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पर रिच डिपॉजिट्स हैं कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर के। वेस्टर्न माउंटेन में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर मिलेगा। जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है लेड और जिंक के वो आर फाउंड इन ब्रिटिश कोलंबिया इन कैनेडा। कैनेडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स मिलेंगे, लार्जेस्ट डिपॉजिट मिलेंगे लेड और जिंक। मेक्सिको सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ये बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है फैक्चुअली, हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे? कि जो मेक्सिको है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का वर्ल्ड में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर इज मेक्सिको। अब हम साउथ अमेरिका पे आते हैं, तो साउथ अमेरिका में जहाँ पर बच्चा एंडीज है, जो ईस्टर्न हाईलैंड है, पार्ट्स ऑफ एंडीज माउंटेन है, जहाँ एंडीज माउंटेन है, जहाँ ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, ठीक है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला में ऐसा कहा जाता है कि पेट्रोलियम रिजर्व सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के कहाँ पर है? वेनेजुएला में। चलो, ईस्टर्न हाईलैंड्स, पार्ट्स ऑफ एंडीज माउंटेन एंड वेनेजुएला, ये मिनरल्स में बहुत रिच हैं। यूरोपियंस केम टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यूरोपियंस बड़े ही बुरे लोग थे, हर जगह से इनको सारी अच्छी चीज़ें चाहिए थी, तो यूरोपियंस साउथ अमेरिका गए थे किसके लिए? गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। वहाँ पर उन्होंने मिनरल रिसोर्सेज को बुरी तरीके से एक्सप्लॉयट किया। इस कॉन्टिनेंट पे एक लंबे टाइम तक, सेंचुरीज तक, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन किसने ही किया बेटा? यूरोपियंस ने किया। ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? USA। ठीक है भाई, तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अब देखो, यहीं पर ऊपर हमने पढ़ा था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, USA इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, तो फर्स्ट कौन हुआ? ये क्वेश्चन वहीं से आ गया था। फर्स्ट है भैया हमारा ब्राज़ील। अब हम बात करें चिली और पेरू की। चिली और पेरू में रिच डिपॉजिट है कॉपर के। ठीक है बात, चिली और पेरू में क्या है? रिच डिपॉजिट ऑफ कॉपर। कॉपर कहाँ मिलता है साउथ अमेरिका में? तो वो चिली और पेरू में सबसे ज़्यादा मिलता है। ब्राज़ील और बोलीविया लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टीन के इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में टीन के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील और बोलीविया।
जो बॉक्साइट डिपॉजिट्स है वो गुयाना में, सूरीनाम और ब्राज़ील में मिलेंगे। बॉक्साइट जैसे एल्यूमिनियम मिलता है वो कहाँ कहाँ मिलेगा? गुयाना, सूरीनाम और ब्राज़ील। लार्ज रिजर्व्स हैं गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, मैगनीज के, क्रोमियम, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस। इस कॉन्टिनेंट में एक बड़ी क्वांटिटी में आपको गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैगनीज, क्रोमियम, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस भी मिल जाएगा। नाइट्रेट्स, जिसका केमिकल फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपको मिलेगा एटेकामा डेजर्ट में। और एटेकामा डेजर्ट कहाँ पर है? चिली। ठीक है, बात मेन प्रोड्यूसर है। चलो, तो नाइट्राइट जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है वो अटेकामा डेजर्ट में मिलता है और चिली इसका मेन प्रोड्यूसर है। अफ्रीका के रिगार्ड्स में तो बेटा मैं क्या ही बताऊँ, ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट मिनरल नहीं है जो अफ्रीका में ना हो। ह्यूमन जो था, मतलब हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन काइंड कहाँ से आई है, तो मेन काइंड कहाँ से आई है, मतलब इंसानों का जन्म कहाँ से हुआ, तो वो भी अफ्रीका से हुआ। गोल्ड कहाँ पर है? अफ्रीका में। डायमंड कहाँ है? अफ्रीका में है। सिल्वर अफ्रीका में है, ठीक है। प्लैटिनम अफ्रीका में है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बेटा जो अफ्रीका में नहीं हो। वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, पर क्या बताएं, फिर भी अफ्रीका डेवलप नहीं है। चलो, तो अफ्रीका में वास्ट रिजर्व्स हैं वैल्यूएबल मिनरल्स के। ये जो कॉन्टिनेंट है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा गोल्ड का, डायमंड का, प्लैटिनम का, कोबाल्ट का, क्रोमियम का। क्रोमियम, कोबाल्ट, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। हाउएवर इट इज़ पुअर इन आयरन एंड कोल, पर आयरन और कोल में पुअर है अफ्रीका। हार्डली मेटल्स, गोल्ड इज़ मोर वैल्यूएबल और आयरन इज़ मोर वैल्यूएबल। आयरन इज़ अवेलेबल एवरीवेयर बट गोल्ड इज़ नॉट, डायमंड इज़ नॉट। सो देन टू, इसके पुअर होने का कारण मुझे समझ में नहीं आता कि फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इतना पुअर कैसे रह गया। चलो, सो इट हैज़ रिच रिसोर्सेज ऑफ गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, कोबाल्ट एंड क्रोमियम, बट अफ्रीका लैक्स इन आयरन एंड। अगर हम कॉपर बेल्ट की बात करें तो बेटा कॉपर बेल्ट जो है अफ्रीका का, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से चालू होकर जामबिया तक जाता है। जाम्बिया। तो कॉन्गो से जाम्बिया तक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जाम्बिया तक आपको मिलेगा कॉपर बेल्ट। गुयाना लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। गोल्ड साउथ अफ्रीका में मिलेगा, जिम्बाब्वे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ध्यान रखना। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। यूरेनियम डिपॉजिट मिलेंगे आपको साउथ अफ्रीका और नाइजर में। यूरेनियम भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जितना भी ये जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह हम बनाते हैं वो, उसके लिए यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम डिपॉजिट कहाँ मिलेंगे? साउथ अफ्रीका और नाइजर में। मैगनीज मिलेगा आपको घाना और गैबॉन में। मैगनीज कहाँ कहाँ मिलेगा? घाना और गैबॉन। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका में आपको मैगनीज कहाँ मिलेगा, तो पता होना चाहिए घाना और गैबॉन में। डायमंड आर मोस्टली फाउंड इन किम्बरले इन साउथ अफ्रीका। डायमंड कहाँ मिलेगा? किम्बरले, साउथ अफ्रीका में। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ये रिच है मिनरल रिसोर्सेज में और इसी वजह से बहुत सारे सेटलर्स इस रिमोट और बैरन कॉन्टिनेंट पे आकर रहने लगे। ये तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ऐसी जगह नहीं थी जहाँ लोग जाए रहे, पर क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर रिच मिनरल रिसोर्सेज। ऑस्ट्रेलिया लीडिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर भी बेटा गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन और निकल मिलता है। रिच डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के, डायमंड के, आयरन और के, टीन के और निकल के। जो दूसरे मिनरल डिपॉजिट्स हैं जिसके अंदर आएगा आपका मैगनीज, लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, निकल, यूरेनियम एंड टिन। अदर मिनरल डिपॉजिट्स इंक्लूड मैगनीज, लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, निकल एंड यूरेनियम एंड टिन। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई पूछेगा कि गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पर है, तो बता देना कालगुरली और कूल गाड़ी। कालगुरली और कूल गाड़ी में मिलेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में भैया मेरे कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको गोल्ड, तो बता देना कालगुरली और
कूल गाड़ी में। अब हम बात करेंगे एंटार्क्टिका की। ड्यू टू थिक आइस कवर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एक्सप्लोर कर पाओ, एक्सप्लॉइट कर पाओ मिनरल रिसोर्सेज को इस कॉन्टिनेंट के। ठीक है, आई शीट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, माइनस में टेम्परेचर है, तो यहाँ काम करना वैसे भी मुश्किल है। इतनी आई शीट हटाने के बाद आपको नीचे मिनरल्स मिलेंगे, तो यहाँ पर अभी हमने एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं है, बहुत मुश्किल। और एक्सप्लोरेशन पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर रिजर्व आपको कोल के, आयरन और के, कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड और सिल्वर मिल सकता है। जो मेन रीज़न है जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो है ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड प्रिंस चार्ल माउंटेन। प्रिंस चार्ल माउंटेन्स पे और ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स पे आपको ये सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का इंडिया में, रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज का इंडिया में, वो बहुत हाईली अनइवन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके सराउंडिंग एरिया में आपको मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल डिपॉजिट्स का इंडिया में वो हाईली अनइवन है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसका सराउंडिंग एरिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनमें से एक छोटा नागपुर और उसके आसपास का एरिया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंपॉर्टेंट मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स का वो टेबल 4.1 में दिया है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में क्यों पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, क्योंकि फिर हम पावर रिसोर्सेज को पार्ट टू से स्टार्ट करेंगे, तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। टेबल 4.1 पढ़ते हैं। तो भैया आयरन और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, भैया बॉक्साइट वो जिससे एल्यूमिनियम मिलता है, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। मैग्नीज फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कॉपर मिलेगा आपको झारखंड में, राजस्थान में, खेतड़ डिस्ट्रिक्ट में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। गोल्ड आपको मिलेगा तमिलनाडु, नीलगिरी माइंस, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। फिर माइका मिलेगा आपको बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। माइका लर्न करना इजी है, चार स्टेट, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन आपको मिलेगा झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना नमक सब सून, सब बिल्कुल जीवन खराब। कोस्टल गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सांभर लेक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। जिप्सम राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में। डायमंड मध्य प्रदेश का पन्ना, तेलंगाना का गोलकोंडा। हमारे मध्य प्रदेश में डायमंड मिलता है, प्राउड ऑफ इट। चलो, सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट पार्ट टू विद पावर रिसोर्सेज। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।